सबसे बड़ी हेडलाइन स्कूलों को लेकर के है। स्कूलों में भर्तियां दोबारा से शुरू होने वाली हैं और इसे लेकर के राज्य सरकार तैयारियों में जुट गई है। खास बात यह है कि ये भर्तियां एसएमसी के जो नियम पूर्व में तय किए गए थे उन नियमों के आधार पर दोबारा से शुरू हो सकती है, क्योंकि एसएमसी के तहत जो भर्तियां हुई थी वो फिलहाल बंद थी, लेकिन अब जो तैयारियां अंदर खाते शुरू हुई हैं वो दोबारा से एसएमसी के तहत भर्तियों को लेकर के चल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संक्रमित पाए गए हैं, उनका कोविड टेस्ट हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल में है, शिमला में है, और उनसे मुलाकात से ठीक पहले ये कोविड टेस्ट लिया गया था और इस कोविड टेस्ट में वो संक्रमित पाए गए। बिजली बोर्ड की बात करते हैं, स्मार्ट मीटर की बात करते हैं, और स्मार्ट मीटर को लेकर के पूर्व में लगातार गतिरोध बनता रहा था, लेकिन अब स्मार्ट मीटर के जो टेंडर है उनकी प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो गई है और स्मार्ट मीटर पूरे प्रदेश भर में लगने हैं। 1,900 करोड़ रुपए के ये स्मार्ट मीटर हैं जिनके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी है, और इस प्रक्रिया में अगर केंद्र सरकार की बात करें तो 1,350 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से सब्सिडी केंद्र सरकार देगी और अन्य जो पैसे हैं वो राज्य सरकार को खर्च करने होंगे। और यही बड़ी वजह है जो कर्मचारी, बिजली बोर्ड के जो तमाम कर्मचारी हैं वो लगातार इस टेंडर प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। पूर्व में ये प्रक्रिया आयोजित हुई थी लेकिन कर्मचारियों के विरोध के बाद इससे बीच में रोक दिया गया था, अब दोबारा से इसे शुरू किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है वो कर्मचारियों ने, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने कही है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत करेंगे क्योंकि प्रदेश की जो बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति है वो इस स्थिति में नहीं है कि स्मार्ट मीटर प्रदेश भर में लगाए जाए, क्योंकि दूसरे मीटरों से भी अभी बिल की उगाही जो है वो चल रही है, उसका दौर चल रहा है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। इसमें 1,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जो वित्तीय बोझ है वो बिजली बोर्ड पर पड़ेगा। इसे लेकर के मुख्यमंत्री से कर्मचारी आगामी दिनों में मिल सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 3700 करोड़ रुपए का कुल ये प्रोजेक्ट था, इसमें 1900 करोड़ स्मार्ट मीटर पर खर्च होने थे जबकि 1800 करोड़ रुपए रख रखाव पर खर्च होने थे, और रख रखाव का जो तमाम खर्चा है उसमें 90% हिस्सा केंद्र सरकार का आने वाला था और 10% राज्य सरकार को खर्च करना था। बात अनुबंध कर्मचारियों की करते हैं, अनुबंध कर्मचारियों का लंबा इंतजार चल रहा था, 31 मार्च तक का इंतजार ये कर्मचारी कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि 2 साल का जो कार्यकाल अनुबंध कर्मचारी पूरा कर चुके हैं उन्हें अप्रैल महीने से नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। और उसके साथ ही जो अनुबंध कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में हैं जो अभी 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं वो नियमित नहीं हो पाए हैं और उनका ये इंतजार लगातार लंबा बढ़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि भविष्य में भी उन्हें इसका असर झेलना पड़ सकता है क्योंकि आगे जो पदोन्नतियां होनी है वो जो नियमित होने का समय है उसके आधार पर ही होंगी, और इस दशा में अगर अप्रैल में ये इनकी जो तैनातियां हैं जो इन्हें पक्के होने के आदेश हैं वो नहीं आ पाते हैं, अधिसूचना जारी नहीं हो पाती है, तो इसका तमाम असर जो है वो उन्हें पूरे अपने कार्यकाल के दौरान भुगतना होगा। फिलहाल अनुबंध के तमाम जो कर्मचारी हैं सरकार की तरफ उम्मीद लगाकर टकटकी लगाकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब राज्य सरकार उनके लिए ये आदेश जारी करती है कि जो 31 मार्च तक 2 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर चुके हैं उन्हें नियमित किया जाता है। बात ओपीएस और एनपीएस के बवाल की करते हैं, क्योंकि ओपीएस को लेकर राज्य सरकार की तरफ से अलग अलग समय पर जो अधिसूचनाएं जारी हो रही हैं उन्हें लेकर अब बयानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज कर्मचारी कल्याण बोर्ड के जो उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा है उन्होंने बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि ओपीएस तो लागू नहीं किया, सरकार ने पूरी तरह से ओपीएस को लागू नहीं किया, लेकिन एनपीएस का जो अंशदान था उसे भी रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी असमंजस में है, एनपीएस के दायरे में आएंगे या ओपीएस के दायरे में आएंगे, ये स्थिति फिलहाल कर्मचारियों की साफ नहीं हो पा रही है, और तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी ये मनोदशा बनी हुई है कि सरकार ने जो फैसला किया है उनके लिए सही है या नहीं है, और इस स्थिति से तमाम कर्मचारी इस समय जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय 10 गारंटियां कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, सत्ता में आने के बाद इन गारंटियों को पूरा किया जाना था और ओपीएस को लागू करना इसमें पहली बात कही गई थी और इसी आधार पर तमाम कर्मचारियों ने कांग्रेस का साथ दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद अभी तक ओपीएस को पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है, नहीं कर पाई है सरकार, और कर्मचारियों के सामने स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है कि ओपीएस किस तरह से बहाल होगी। एनपीएस का जो अंशदान है उसे भी रोक दिया गया है। उन्होंने डीए को लेकर के भी बड़ी बात कही है, राज्य सरकार ने हाल ही में 3% डीए की घोषणा की है हिमाचल दिवस के मौके पर। उन्होंने कहा कि 11% डीए कर्मचारियों का बनता था और यह संभावना इस समय कर्मचारियों में बनी हुई थी जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 7% तक डीए कर्मचारियों को मिलेगा, इस उम्मीद के साथ कर्मचारी मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे थे, लेकिन जो डीए का जब ऐलान हुआ तो 3% हुआ, तो कर्मचारियों की जो तमाम उम्मीद थी जो 7% पर टिकी हुई थी उसे कहीं ना कहीं झटका लगा है। साथ ही अगली बात करें तो स्कूलों की जो खामियां हैं, जो तमाम प्रदेश भर के स्कूल हैं उनमें जो कमियां पाई जा रही हैं उन्हें अब शिक्षा विभाग टटोलने वाला है और शिक्षा उपनिदेशक इन कमियों को जांचने के लिए स्कूलों में जाएंगे और इसके लिए व्यवस्था तय कर दी गई है। खासतौर पर जो ध्यान है वो बायोमीट्रिक पर रहेगा क्योंकि अध्यापकों की हाजिरियां जो है वो बायोमीट्रिक के अलावा किसी भी तरह से स्वीकार नहीं की जाएंगी, और साथ ही आदेश भी दे दिए गए हैं कि जिन स्कूलों में बायोमीट्रिक की मशीनें खराब पड़ी हैं उन मशीनों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, और इसके साथ ही निरीक्षण का एक फॉर्मेट भी तय कर दिया गया है। उस फॉर्मेट को जो भी अधिकारी स्कूलों में जाएंगे उन्हें इस फॉर्मेट को पूरा करना होगा। इस फॉर्मेट में जो तमाम बिंदु अंकित किए गए हैं उसमें मिड डे मील की व्यवस्था किस तरह की है, बच्चों को जो मिड डे मील परोसी जा रही है उसमें गुणवत्ता कितनी है इसकी भी बात कही गई है, साथ ही स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था, जो पेयजल व्यवस्था स्कूल में की गई है वो कितनी है, किस तरह की है, इसकी भी बात कही गई है। इसके साथ ही जो बच्चों की हाजिरी लग रही है उसके साथ शिक्षक भी हाजिरी लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं इसकी भी जांच अब स्कूलों में होगी और ये एक फॉर्मेट पे तय होगी और इस फॉर्मेट को फिर शिक्षा उपनिदेशक के माध्यम से शिक्षा निदेशालय तक पहुंचाया जाएगा। शिक्षा विभाग की भर्तियों की करते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में जो अब भर्तियां होने वाली हैं वो अस्थायी तौर पे भर्तियों का प्रावधान राज्य सरकार करने की तैयारी में है, शिक्षा विभाग तैयारी में है। ये भर्तियां ठीक उसी तर्ज पर होंगी जैसे पूर्व में एसएमसी की भर्तियां होती रही हैं, उन भर्तियों का जो एक तरह का सांचा तैयार किया गया था उसी को अब शिक्षा विभाग आगे बढ़ाने के मूड में है और इसका प्रस्ताव जो है वो
आगे राज्य सरकार तक पहुंचाया गया है। और इसमें जो बात कही गई है उसमें जो स्कूल खाली है, खासतौर पर जिन स्कूलों में शिक्षक जाने से मनाही कर रहे हैं, जाने से इनकार कर रहे हैं, उन स्कूलों में इन शिक्षकों की भर्तियों की बात कही जा रही है। शिक्षक जो प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपा गया है उसमें यह कहा गया है कि बहुत से ब्लॉक ऐसे हैं जहां शिक्षक नहीं है, स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक नहीं जाना चाहते। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने यह प्रस्ताव सरकार को तैयार करके भेजा है कि इन स्कूलों में फिक्स वेतन पर, तय वेतन के आधार पर भर्तियां की जाएं, जिस आधार पर पूर्व में एसएमसी की भर्तियां होती रही हैं उन्हें आधार बनाया जाए। और इस जो एक प्रस्ताव जो बना करके राज्य सरकार को भेजा गया है उसमें हालांकि आपत्तियां जरूर दर्ज की गई हैं। इसमें कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के पास जब ये फाइल पहुंची है तो उन्होंने आपत्ति इस पे दर्ज की है। और इसमें जो आपत्ति दर्ज हुई है उसमें एसडीएम की कमेटी बनाने की बात कही गई थी कि एसडीएम के माध्यम से कमेटी बनाई जाए और 10 अंक जो है, जो इंटरव्यू के 10 अंक रखे गए थे, कि इंटरव्यू के 10 अंक दिया जाए। तो कार्मिक विभाग ने जो ऑब्जेक्शन लगाया है वो इंटरव्यू के ऊपर लगाया है। उनका कहना है कि इंटरव्यू को पहले ही सरकार खत्म कर चुकी है, किसी भी भर्ती में अब इंटरव्यू की प्रक्रिया शामिल नहीं रहती है, तो इससे जो इसे शामिल किया गया है इंटरव्यू को उसे हटा दिया जाए, एक ये ऑब्जेक्शन लगा है। और इसके साथ ही वित्त विभाग ने भी इस पे आपत्ति अपनी जो है वो दर्ज करवाई है। तो अभी फिलहाल ये जो विषय है जो निदेशालय शिक्षा विभाग की तरफ से चर्चा में राज्य सरकार को भेजा गया है ये फिलहाल मंजूर नहीं हुआ है, इस पे चर्चा चल रही है। वित्त विभाग, कार्मिक विभाग अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया इस पे दे रहा है, लेकिन एक स्थिति जो है वो इस समय बिल्कुल साफ होकर के निकलती नजर आ रही है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में एसएमसी शिक्षकों की भर्ती का दौर एक बार फिर आने वाले दिनों में लौट सकता है। अब करते हैं बात भर्तियों को लेकर के, जो नई भर्तियां हैं क्लास 3 की एक नोटिफिकेशन आई एचआरटीसी में, लेकिन जो अन्य भर्तियां होनी है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार अब आपको अगली कैबिनेट तक का भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब अगली कैबिनेट आएगी फिर जो है वो नई भर्तियों को लेकर सरकार फैसला लेगी। अभी तिथि फाइनल नहीं हुई अगली कैबिनेट की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग में जो एक बड़ी अनाउंसमेंट की है धनीराम शांडिल ने, 200 डॉक्टर 700 नर्सें, इस पर जो है वो कैबिनेट में मसला जा सकता है। और दूसरा एलिमेंट्री एजुकेशन में नई भर्तियां जो है वो निकलेगी। शिक्षा मंत्री ने जो है वो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे साथ साझा की है कि हमने अब हायर में दे दी है, जिसमें आपको मैंने बताया था हायर में 530 लेक्चर की जो पोस्ट है वो भरी जाएंगी। इसमें एक दो महीना लगेगा क्योंकि अभी जो है वो विज्ञापन होना है कि कहां पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो भर्तियां हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से होनी है। और अभी भी 8,000 से 10,000 पद शिक्षकों के खाली चल रहे हैं, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, पीईटी, डीपी, इसके अलावा एलटी। और आपको बता दें 2013 से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं हुई, लगातार कमेंट करते हैं कुछ दशक लाइब्रेरियन भर्तियों को लेकर। एक बार आप शिक्षा मंत्री से जरूर मिले इस बारे में, क्योंकि 2013 से भर्तियां नहीं हुई, अब 10 साल हो गए हैं। तो दो सरकारें बदल गई है, दो बार, तीसरी बार सरकार बन गई है। 12 में इलेक्शन हुए, 17 में हुए, फिर अब 22 में हो गए हैं। तो एक बार जो लाइब्रेरियन है वो मिलने शिक्षा मंत्री से, क्योंकि इस भर्ती पर कोई नया अपडेट नहीं है, कमेंट करने से जो है वो मामला हल नहीं हो पाएगा। आपको हालांकि शिक्षा मंत्री से सवाल हमने जरूर किया, उन्होंने कहा कि आगामी समय में किया जाएगा इस भर्तियों को, लेकिन एक बार आप मिलें और बताएं कि क्यों जो है वो सरकार ये भर्तियां नहीं करवा पा रही है। तो नई भर्तियां फिलहाल अगले कैबिनेट तक का इंतजार करें जी। एनटीटी भर्ती के लिए शिक्षा मंत्री दिल्ली जाएंगे, उसके बाद ही फाइनल होगी। इसके अलावा जो ये भर्तियां हैं शिक्षा विभाग में अन्य भर्तियां, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और आपको एक और अपडेट हम दे दें जो ये अन्य भर्तियों को लेकर के हैं, जो ये लेक्चरर से और हेडमास्टर से प्रमोशन होनी है, इसकी अभी जो है वो अभी संभावनाएं हैं कि इसी सप्ते हो जाए नोटिफिकेशन। इसकी डीपीसी फाइनल है, शिक्षा मंत्री से जानकारी हमने प्राप्त की है। बहुत जल्दी डिप्टी डायरेक्टर और जो प्रिंसिपल प्रमोशन होनी है वो हो जाएगी जी। ये फाइल बिल्कुल तैयार है, डीपीसी फाइनल है इसकी जो है वो अधिसूचना निकलने चुनाव में आचार संहिता लगी है शिमला में, जिसके चलते थोड़ी दिक्कत हो रही है जी।